प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल डी के सैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया था प्रश्नावली 1.1 के जो तीनों सवाल थे वो हमने हल कर लिए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी पिछली वीडियो को आप जाकर देखना। चार पार्ट हमने ऑलरेडी उस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उन चारों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो सारे के सारे क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और वो बोल रहा है कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो इस रूप का होता है। तो हमने यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय पढ़ी थी वो पढ़ी थी a बराबर bq+r। क्या पढ़ी थी हमने? a बराबर bq+r। जैसे मान लेते हम a बराबर 6q+1, यदि हम एक मान ये मान लेते हैं तो ये किसका मान हो जाएगा? b का। ये किसका मान हो जाएगा? b का मान हो जाएगा। और हम जानते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि a बराबर bq+r होता है, लेकिन जो r का मान है वो या तो 0 के बराबर होता है या फिर किससे छोटा होता है? b से छोटा होता है। r का मान या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, या फिर जो b का मान होता है उससे क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर यदि इन सभी के लिए हम देखें तो b का मान सेम है, इन सभी के लिए हम देखें तो b का मान कितना आ रहा है? b का मान 6 आ रहा है। इसलिए b बराबर हम 6 के लिए यदि हल करें तो r का मान क्या होगा? क्या होगा? b से छोटा, b से छोटा ही होगा। r का मान किससे छोटा होगा? 6 से छोटा। और ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, अर्थात r के जो मान हो गए वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक हो गए, क्योंकि 6 से छोटा लेना है हमको, 6 से छोटा लेना है तो 5, 4, 3, 2, 1 और 0 के बराबर है, तो ये r का मान इतने हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे, देखिए। हम मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए क्या है? कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तब b का मान हमारे पास क्या आया था? हमारे पास b का मान आया था हमारे पास 6, b बराबर 6 के लिए, क्योंकि उन्होंने सवाल के अंदर दे रखा है 6q+1, 6q+3 इस तरीके से। तो यहाँ पर b का मान सेम है 6, तो हम b बराबर 6 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तब b बराबर 6 के लिए कौन सी प्रमेय लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। b बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसके अंदर यदि हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमने a धनात्मक पूर्णांक माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो a बराबर b का मान क्या है? 6, 6q+r। यहाँ पर r का मान हमको पता नहीं है, लेकिन r का मान हम यहाँ पर रखेंगे इसकी सहायता से, क्योंकि हम जानते हैं कि r का जो मान होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा या फिर b से क्या होता है? छोटा होता है। और b का मान यहाँ पर क्या है? 6 है। तो r का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पर यहाँ से r की जो मान आएगा वो क्या आएगा? 0 के बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटा लेना है तो 5 तक ही हमको लेना है। अब r बराबर 0 के लिए इसको हल करेंगे, 1 के लिए, 2 के लिए यहाँ पर मान रखना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ। अतः r बराबर, यदि इसके अंदर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a बराबर 6q+0। क्या आएगा हमारे पास? a बराबर 6q+r की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? केवल 6q।
यदि हम r बराबर एक के लिए हल करते हैं, r बराबर एक के लिए हल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a बराबर क्या आएगा हमारे पास, a बराबर 6q प्लस r की जगह कितना रखेंगे हम, एक। इसी तरीके से जब हम r बराबर दो रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 6q प्लस दो। r बराबर जीरो के लिए, r बराबर एक के लिए, r बराबर दो के लिए हमने लिख दिया, अब हम लिखेंगे r बराबर तीन के लिए, a बराबर 6q प्लस r का मान रखेंगे यहाँ पर कितना, तीन। तो हमारे पास आ जाएगा a बराबर 6q प्लस तीन। इसी तरीके से यदि हम r बराबर चार रखें तो a बराबर कितना आएगा, 6q प्लस चार। और यदि हम r बराबर पाँच रखें तो हमारे पास कितना आएगा, a बराबर 6q प्लस पाँच। इसके अंदर हमने मान रखा है r का, जो r का मान हमने निकाला है इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए, तो r का मान पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है और हमको 5 तक ये रखना है। तो ये हमारे पास मान प्राप्त हो गए a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 1 इस तरीके से। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए इधर की साइड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 4, ये जो सभी हैं ये दो से विभाजित है, अर्थात इनमें दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसलिए दो का पूरा पूरा भाग जिन जिन संख्याओं में जाता है वो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। तो ये जो पार्ट है ये हो गई सम संख्या का, लेकिन हमने माना क्या है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अर्थात ए का मान विषम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये संख्याएँ तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये हो गई सम संख्या। अब यहाँ पर ये जो संख्याएँ हैं r बराबर एक के लिए, r बराबर तीन के लिए, r बराबर पाँच के लिए, ये जो संख्याएँ होंगी ये संख्या ही क्या होगा हमारा, विषम पूर्णांक होगा। इसलिए हम इनको नेगलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 6q कोमा 6q प्लस 2 कोमा 6q प्लस 4, ये सभी दो से क्या हैं, विभाजित हैं, या आप लिख सकते हो विभाज्य है, अर्थात दो का पूरा पूरा भाग इनमें जा रहा है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या लिखेंगे हम, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। कौन सा पूर्णांक है, ये संपूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो अब कौन कौन सा विषम पूर्णांक होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये क्या होगा हमारे पास, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये क्या होगा हमारा, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या होगा हमारा, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अंदर पूछा है कि टोटल 616 सदस्य हैं और एक आर्मी बैंड के पीछे 32 सदस्यों की टीम के पीछे इनको पैदल मार्च करना है। तो इस तरीके से मार्च करें कि जो स्तंभों की संख्या है वो अधिकतम आए। तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, अधिकतम जब भी शब्द आ जाए तो हम क्या ज्ञात करते हैं, SCF ज्ञात करते हैं। अधिकतम शब्द के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, SCF ज्ञात करते हैं। तो SCF हम किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, जो हमारी प्रश्नावली है वो वास्तविक संख्या की है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने पढ़ी है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम SCF ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 का जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से होगा वो देखिए। 616 सदस्यों की टीम है और उनको 32 सदस्यों के पीछे पैदल मार्च करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेना के कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 616 वह कितनी है 32 दे रखी है। अब हमको अधिकतम चाहिए, तो अधिकतम के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, SCF ज्ञात करेंगे। हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमको, अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। अतः हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 616 बड़ा है या फिर 32 बड़ा है। तो यहाँ पर 616 किससे बड़ा है, 32 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको तब तक हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से तब तक शेषफल का मान शून्य प्राप्त ना हो। तो कैसे हल करते हैं हम, चरण नंबर 1 किस किस के लिए हल करेंगे, 616 व 32 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन। क्या बोलती है, सबसे छोटी संख्या का भाग किस में देंगे हम, बड़ी संख्या में देंगे। तो आप 32 का भाग 616 में दीजिए, कितना आएगा, 32 एकम 32 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 616 और 32 के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो 32 का भाग जब हम 616 में देंगे तो 19 बार जाएगा और शेषफल आएगा हमारे पास 8। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है तो हम चरण 2 का भी प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन की सहायता से इसको लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 616, भाग हमने दिया है 32 का, कितनी बार गया 19 बार, और शेषफल कितना आया हमारे पास 8। ये हमने लिख दिया यूक्लिड विभाजन की सहायता से। अब हम लिखेंगे यहाँ शेषफल क्या नहीं है, शून्य नहीं है, यहाँ शेषफल शून्य नहीं है। अतः हम चरण 2 के अंदर कौन कौन सी संख्या को लेकर चलेंगे, 32 को और 8 को। तो चरण नंबर 2 यहाँ पर देखिए, चरण नंबर 2 32 व 8 के लिए कौन सी प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो सबसे छोटी संख्या है 8, इसका भाग हम किस में देंगे, 32 में देंगे, कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा, और शेषफल हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। अब जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो जिसका हम भाग देते हैं वो ही हमारा क्या होता है, SCF होता है। क्या होता है हमारा, SCF होता है। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन की सहायता से लिखेंगे, 32 बराबर 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0, यहाँ पर लिखेंगे। अतः अधिकतम जो स्तंभों की संख्या आएगी अर्थात जो SCF आएगा 616 और 32 का वो कितना आएगा, 8 आएगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी आएगी, 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। आप अपनी नोटबुक में इसे नोट करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे के जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं प्रश्न बोलकर आपको बता देता हूँ क्या पूछने चाह रहा है। देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, क्या है, a है, तब यह है किस किस के रूप को हो सकता है, 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। तब इसकी तीन स्थितियां बनेंगी। स्थिति नंबर एक कैसी होगी, देखिए स्थिति नंबर जो एक होगी वो क्या होगी, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इससे करेंगे, हमने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी वो पढ़ी थी a बराबर bq प्लस r। यदि इसकी तुलना हम इससे करें, हमने a तो मान लिया है और a को हम इन तीनों के बराबर रखेंगे, जब जाके कितनी स्थिति बनेगी, तीन स्थिति बनेगी। यदि मैं इसको रखूँ तो bq की जगह यहाँ पर कितना दिया गया है, 3q, और r यहाँ पर नहीं है तो हम जीरो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी यदि मैं तुलना करूँ तो b का मान क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा, और r बराबर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, कितना आएगा, r बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर r का मान नहीं दिया गया है। तब स्थिति क्या बनेगी हमारे पास, a बराबर 3q, प्लस में 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 बराबर कितना होगा, 3q। अगली जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, a बराबर 3q प्लस 1, और तीसरे नंबर की स्थिति बनेगी a बराबर 3q प्लस 2। अब हम यहाँ पर स्थिति नंबर एक की बात करते हैं, स्थिति नंबर एक बनेगी a बराबर 3q। अब प्रश्न के अंदर वो बोल रहा है कि इन पूर्णांकों का वर्ग करना है, तो जो हमने माना है यहाँ पर इनका वर्ग करके देखते हैं जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आता है कि नहीं। a बराबर 3q का हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर क्या करेंगे, हम वर्ग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पर वर्ग का चिन्ह लगा लेता हूँ, a का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, 3q स्क्वायर का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा हमारे पास, 9q स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास, 9q स्क्वायर। इस 9q स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम, 3 और कोष्टक के अंदर 3q स्क्वायर, यदि हम इसको गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9q स्क्वायर। अब ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया क्या है, 3m, तो हमको 3 बाहर निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बाहर निकाल दिया है इसका गुणज के रूप में। अब ये जो कोष्टक के अंदर है इसको मैं m मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ, m, तो इसको मैं m मानूँगा तो कैसे लिखूँगा इसको, a स्क्वायर ऐसे कि ऐसे 3, और इसको मैंने m मान लिया तो ये क्या हो गया m, यहाँ पर आप दर्शा दोगे जहाँ m मैंने किसको माना है, m का मान क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर मान लिया है। अब ये a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m, तो किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप को हो सकता है, और नेक्स्ट जो प्रश्न है इसके अंदर ही वो क्या दिया गया है, 3m प्लस 1 इस तरीके से दिया गया है। तो हमने स्थिति एक में ज्ञात कर लिया है 3m, अब हम स्थिति दो के अंदर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, स्थिति दो के अंदर दिया गया है a बराबर क्या लिखेंगे हम, 3q प्लस 1, यहाँ पर भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि प्रश्न के अंदर ही वर्ग करने की बोल रहा है, तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर।
अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा पिछली क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे, कैसे खोलेंगे देखिए, इसको खोलेंगे हम, 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 3 × 2 = 6, 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। आपको सूत्र याद होना चाहिए तभी आप इस ब्रैकेट को हल कर सकते हो। अब इसको हम आगे कैसे हल करेंगे देखिए, ए स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है वो देखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो क्यू आ रहा है और एक 3 आ रहा है, क्या रहा है 3, लेकिन हमको 3 बाहर चाहिए क्यू नहीं चाहिए, इसलिए हम बाकी को अंदर लिखेंगे। 3 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 3q स्क्वायर प्लस 3 × 6 q प्लस 1। ये हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, यदि आप ब्रैकेट को हल करोगे तब भी ये का ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कोष्टक के अंदर है मैं इसको m मान लेता हूँ क्योंकि प्रश्न के अंदर m दिया गया है, 3 ऐसे कि ऐसे, मैंने इस पूरे कोष्टक को m मान लिया तो मैंने यहाँ पर m लिख दिया और प्लस में 1 पहले से ही है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आपने यदि m माना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो स्थिति 1 और स्थिति 2 मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हम स्थिति 3 की बात करते हैं, तो स्थिति 3 क्या बनेगी देखिए, a बराबर अब हम क्या मानेंगे, 3q प्लस 2। स्थिति 3 देखिए, a बराबर 3q प्लस 2, इसमें भी ऐसे करेंगे, वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 q प्लस 4। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे देखिए इस तरीके से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12 q, और ये 4 है इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1, इस 4 को मैंने कैसे लिख दिया, 3 + 1। अब हम इनके लिए हल करेंगे देखिए कैसे हल करेंगे इसको, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिए 3 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 3, हमको 3 कॉमन लेना है, तीनों स्थिति के अंदर हमको 3 कॉमन लेना है, ये काम आपको करना है क्योंकि सवाल के अंदर भी इस तरीके से दे रखा है, तो हमको जो सवाल दे रखा है वो बनाना है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे इन तीनों में से, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर 4q प्लस 1, और बाहर पे प्लस 1 पहले से ही है, तो इसको अब हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, a स्क्वायर बराबर 3m + 1, क्या लिखेंगे इसको, 3m + 1, इसको लिखेंगे हम a स्क्वायर बराबर 3m + 1। अब हमने m किसको माना है, इस पूरे कोष्टक को, तो यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये आपको लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आपने m माना है। तो तीनों स्थिति मैंने यहाँ पर आपको दर्शा दी है, स्थिति 1, स्थिति 2 और स्थिति 3, तीनों के अंदर आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर है 3m + 0, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, 3m + 0, यहाँ पर 3m + 1 और यहाँ पर भी 3m + 1। प्लस 1 का मतलब क्या है, r का मान या तो 1 हो सकता है, r का मतलब शेषफल का मान या तो 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है इनके लिए, तो हम जो इसकी यहाँ पर हिंदी आएगी जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, कि जो ए स्क्वायर है वो किससे विभाजित है, देखिए ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर के जो सभी विस्तार हमने यहाँ पर पढ़े, इसके लिए और इसके लिए, तो क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर के सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि जो ए स्क्वायर है वो किससे विभाजित है, 3 से, किससे विभाजित है, 3 से। यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि इस 3 को मैं यहाँ पर लेके आऊँ तो ए स्क्वायर में किसका भाग जाएगा, 3 का, किसका भाग जाएगा, 3 का, तो ए स्क्वायर किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, क्या है,
तीन से विभाजित है, और यदि हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा? यहाँ पर क्या बचेगा? या तो एक बचेगा या फिर शून्य बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीन से विभाजित है तथा जो शेषफल बचता है हमारे पास, शेषफल या तो शून्य बचता है, या तो शून्य या कितना प्राप्त होता है हमारे पास, एक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? एक प्राप्त होता है। अतः जो क्वेश्चन दे रखा है वो का वो यहाँ पर उतारना है। अतः किसी धन पूर्णांक के लिए उसका वर्ग 3m, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 का सॉल्यूशन है वो हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी इसी तरीके से हल होगा, सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ग नहीं करना है, वहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है घन करना है। क्या करना है आपको? घन करना है। ये का ये आपको मानना है और इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मैं करके बताऊंगा, इसे आप उतारिए। हमने पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और आगे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। सेम उसी की तरह है, लेकिन उसमें हमने वर्ग किया था और यहाँ पर हम क्या करेंगे? घन करेंगे। तो किस तरीके से हल करेंगे देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए जिसका घन करने पर 9m आना चाहिए, 9m प्लस 1 आना चाहिए या फिर 9m प्लस 8 आना चाहिए। उसी तरीके से पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमको मानना है, उसी तरीके से हमको सॉल्यूशन करना है। तो हम क्या मानेंगे? माना कोई धनात्मक पूर्णांक हमको ये बनाना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, हमको ये बनाना है। तो माना कोई धनात्मक जो पूर्णांक है वो क्या है? a है। तब 3q या 3q प्लस 1 व 3q प्लस 2 के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अब क्या क्या स्थिति बनेगी? यहाँ पर भी 3 स्थिति बनेगी पिछले क्वेश्चन की तरह। पहली स्थिति बनेगी यहाँ पर देखिए, जब इसकी तुलना हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे a बराबर bq प्लस r, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a बराबर 3q कैसे लिख सकते हैं हम? a बराबर 3q, r यहाँ पर क्या है? 0 है। अब प्रश्न के अंदर बोल रहा है कि इसका क्या करना है? हमको घन करना है। क्या करना है? घन, अर्थात घात 3 लगानी है घन करने पर। सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, वहाँ पर वर्ग किया था हमने, यहाँ पर हम क्या करेंगे? घन करेंगे। घन करते हैं इसका, देखिए a की घात 3, और जब 3q का घन करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 3q का घन करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। कितना आएगा? 27q की घात 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमको यहाँ पर 9 बार रखना है। आप देखिए क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर हमको 9 बार रखना है। अब कोष्टक के अंदर क्या बच गया है वो देखिए, 9 को किससे गुणा करेंगे कि 27 आ जाए? 3 से गुणा करेंगे, बाकी को ऐसे कैसे आप उतार दीजिए। हमको क्या बनाना है? 9 बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों के लिए 3 स्थिति बनेगी, और तीनों में अपन को बाहर क्या रखना है? 9 रखना है। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने 3 रखा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से इसके अंदर हमको क्या बाहर रखना है? 9 बाहर रखना है। अब ये जो कोष्टक में हमने लिखा है इसको हम क्या मानेंगे? क्या मानेंगे हम इसको? एम मानेंगे, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है 9 ऐसे कि ऐसे, और इसको हमने क्या मान लिया? एम मान लिया। तो आपने इसको एम माना है तो यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा, जहाँ m का मान क्या हो गया? 3q की घात 3। ये स्थिति एक के लिए हमने हल कर लिया। अब हम स्थिति नंबर 2 के लिए कैसे हल करेंगे वो देखिए। स्थिति नंबर 2, जब a बराबर क्या हो? 3q प्लस a हो, क्या हो? 3q प्लस 1 हो, तब हम क्या करेंगे इसका? वही क्या करेंगे? घन करेंगे। क्या करेंगे? घन करेंगे। तो कितना आएगा देखिए, a की घात 3 बराबर 3q प्लस 1 की घात 3, 3q प्लस 1 की घात 3, तो कितना आएगा देखिए,
आपने सूत्र पढ़ा होगा ए प्लस बी की होल क्यूब, इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो नवीं क्लास की बुक के अंदर आपको दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। इसको कैसे खोलेंगे, ए क्यूब कितना आएगा, 27 क्यू क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी, बी एक ही है यहाँ पर, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, क्या होता है ये सूत्र होता है इसका। हमने इसको खोल दिया है, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए क्यूब बराबर 27 क्यू की घात 3 प्लस, इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 × 9 क्यू प्लस 1, क्या आएगा हमारे पास 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 9, और प्लस में 1 हमको रखना पड़ेगा, तो प्लस में 1 हम ऐसे कैसे रखेंगे, और जो ये दिया गया है इसमें से हमको 9 बाहर निकालना है, ये काम आपको करना है। कैसे करेंगे, ए क्यूब बराबर इसमें से हमको क्या करना है, 9 बाहर निकालना है, तो बाकी को अंदर कैसे लिखेंगे इसको हम, 9 बाहर निकालेंगे तो 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, ये जो कोष्टक में हमने लिखा है हम इसको क्या मानेंगे, m, क्या मानेंगे हम, m। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है, ये हमने ये बना दिया। स्थिति एक के अंदर हमने ये बना दिया 9m, सेकेंड स्थिति के अंदर हमने बना दिया 9m प्लस 1, और तीसरी स्थिति में हम क्या बनाएंगे, 9m प्लस 8 ये बनाएंगे। तो तीसरी स्थिति लिखते हैं यहाँ पर, स्थिति नंबर 3, इसमें हम लिखेंगे a बराबर 3 क्यू प्लस 2 के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही क्या करेंगे, घन करने पर, इसका घन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको जब हम खोलेंगे कोष्टक को तो कितना आएगा हमारे पास, 27 क्यू क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस, लास्ट में क्या लिखते हैं, बी क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, कितना आएगा हमारे पास 8। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं, 27 क्यू क्यूब प्लस 3 × 9 9 3, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 × 9 क्यू स्क्वायर प्लस 8। क्वेश्चन के अंदर देखिए प्लस में 8 पहले से ही है, तो प्लस में 8 को हम छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, बाकी इन सब में से क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 9 कॉमन लेते हैं, ए क्यूब बराबर 9 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 3 क्यू क्यू प्लस 9 प्लस, 9 कॉमन लिया तो कितना आएगा कोष्टक के अंदर, 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8, ये जो कोष्टक के अंदर हमने माना है इसको हम क्या लिखेंगे, m, क्या लिखेंगे हम, m, 9m प्लस 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ m हमने माना है 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को, तो हमने तीनों के तीनों जो हैं वो बना दिए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब हम इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कैसे लिखेंगे, स्थिति एक, स्थिति दो और स्थिति तीन के अंदर हमने देखा तीनों जो समीकरण हमको प्राप्त हुए हैं इसमें किसका भाग जा रहा है,
नौ का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, नौ का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः तीनों स्थिति में जो ए क्यूब है, तीनों स्थिति में जो ए क्यूब आ रहा है ये किससे विभाजित है, नौ से विभाजित है, किससे विभाजित है, नौ से विभाजित है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब नौ से विभाजित है, क्या है, नौ से विभाजित है। अतः हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अतः अतः इन्हें हम क्रमशः कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम 9m, फिर हम क्या लिखेंगे 9m प्लस 1, फिर हम क्या लिखेंगे 9m प्लस 8, क्या लिखेंगे 9m प्लस क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अतः हम इन्हें क्रम से 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारे प्रश्नावली 1.1 के सारे जो क्वेश्चन हैं हमने इस वीडियो में सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो दोस्तों आगे हम प्रश्नावली 1.2 के कुछ बेसिक और उनके सवालों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्नावली 1.1 के जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। 1.1 के प्रश्नावली 1.1 के 5 पार्ट हैं। यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो पुरानी वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और इन सब सारे जो नोट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सारे के सारे जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल DK सैनी क्लासेज पर आपको मिल जाएंगे PDF के रूप में। आप टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो चैनल है DK सैनी क्लासेज उसको ज्वाइन करें, सारे के सारे जो नोट्स हैं आपको उस पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।